हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7th डेटा हैंडलिंग। राइट, देखो लास्ट लेक्चर में हमने डेटा हैंडलिंग में क्या देखा था कि डबल बार ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं। राइट, कि डबल बार ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ क्या होता है। राइट, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। देखो चांस का मतलब क्या होता है, चांस मतलब किसी भी चीज या किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। जैसे मान लो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है ना, या बांग्लादेश ले लेते, चलो बांग्लादेश का मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच चल रहा है क्रिकेट का। तो हमें पता है कि यार इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का चल रहा है तो इंडिया के जीतने के चांस ज्यादा है, क्योंकि इंडिया की टीम स्ट्रांग है, इंडिया के पुराने स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग है। तो हम क्या बोलते हैं बेसिकली कि इंडिया के जीतने के चांस ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। राइट, अगर यही मान लो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो जाता तो अब इंडिया के जीतने के चांसेस अभी भी ज्यादा ही हैं, पर इतने ज्यादा नहीं है जितने इसमें थे। तो बेसिकली चांसेस क्या है कि किसी भी इवेंट के होने के कितने कितनी संभावना है, चांसेस व्हाट, संभावना। ठीक है, जैसे इंडिया के जीतने के चांसेस बांग्लादेश के साथ अगर इंडिया खेल रही है तो इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा है, अगर इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रही है तो इंडिया के जीतने के चांसेस कम है। राइट, तो इसी चीज को अपन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी, कि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने, मतलब इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। राइट, सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। तो चांसेस हमें समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब किसी भी चीज की देखो मैथमेटिकल में अगर अपन बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल रिस्पेक्ट में अगर अपन बात कर रहे हैं तो हम इसकी भी बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करते। सो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी इवेंट है, इवेंट क्या है, जैसे यहां पे इंडिया जीतना एक इवेंट था, जैसे कोई भी एक इवेंट हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, वेयर ए इज इवेंट इज इक्वल टू व्हाट होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। अच्छा, फेवरेबल का मतलब क्या है कि उसके फेवर में कितने आउटकम है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने पे हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड के फेवर में कितने हैं, एक ही है, एक ही बार ऐसा हो रहा है जिसमें हेड आ रहा है, तो फेवरेबल में कितने हैं, एक, और टोटल कितने हैं, दो, तो टोटल टू हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन वी टॉस वन कॉइन इज व्हाट, 1/2। क्लियर है। अच्छा, अगला है, जैसे मान लो मैंने टू कॉइन्स टॉस करे, एक कॉइन टॉस किया फिर एक और टॉस किया, तो टोटल देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे भी टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ये चार पॉसिबिलिटी है। अगर आपने दो कॉइन को टॉस किया है, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड गेटिंग नॉट हेड, मतलब हेड नहीं आना चाहिए, तो हेड नहीं आना चाहिए ऐसा कितनी बार हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, तो इस इवेंट के, ये जो इवेंट था नॉट हेड वाला, उसके फेवर में कितने हैं, एक ही है उसके फेवर में, ओनली वन। सो फेवर इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट, वन, एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम मीन्स टोटल कितने, एक दो तीन चार, तो आंसर इज व्हाट, 1/4। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं कि ऑफ गेटिंग टू हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो फेवर में कितना है, एक ही है उसके फेवर में, कि जिस ऐसे कितने बार हो रहा है जिसमें दो और दो हेड आ रहे हैं, एक ही बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो फेवर में कितने हैं, 1/4।
ठीक है ऐसा। अच्छा अब देखो और थोड़ा इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं इसी क्वेश्चन को। किसी ने पूछा है एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अच्छा एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो एक हेड का मतलब क्या है कि एक हेड भी आ सकता है और दो हेड भी आ सकते हैं। तो फेवरेबल देखो कौन कौन से, अगर मैं फेवरेबल की बात करूं आउटकम्स, हमें एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि एक भी आ जाए तो भी चलेगा, दो भी आ जाए तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं चलेगा कि एक भी नहीं आए। तो ये हमारे फेवर में है, ये हमारे फेवर में है, ये हमारे फेवर में है, ये फेवर में नहीं है। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स है, थ्री। सो आंसर इज व्हाट, 3/4। सही बात है क्या? सही बात है। अच्छा अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड, वन हेड। अच्छा एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है। अगर एक भी नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दो हेड आ गए तो दिक्कतें स्टार्ट होने लग जाएंगी। तो ये हमारे फेवर में नहीं है, ये हमारे फेवर में है, ये फेवर में है और ये भी फेवर में है। तो अगेन फेवरेबल आउटकम्स कितने, तीन, और टोटल कितने, चार। ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, हाउ वी फाइंड प्रोबेबिलिटी। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन इज इफ अ डाइस इज थ्रोन देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ऑफ गेटिंग टू बी, ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर सी, अ प्राइम नंबर डी, अ ऑड नंबर। ओके ठीक है ये है, ठीक है ऐसा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल आउटकम लिखते हैं। सो टोटल आउटकम्स, अच्छा टोटल आउटकम क्या होंगे, देखो अगर आपने एक डाइस को फेंका है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटी है। अच्छा अब ए की बात करते हैं, ए में तो क्या पूछा, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज व्हाट, 1/6। तो एक ही बार ऐसा है जो हमारे फेवर में आ रहा है 2, तो 1/6 आ गया। अच्छा बी क्या है, अ इवन नंबर, तो इवन नंबर आने की फेवरेबल देखते हैं पहले, इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। सो कितने फेवर में है हमारे, 3 फेवर में, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन इज व्हाट, 3/6 विच इज 1/2। ठीक है ऐसा। अच्छा सी क्या कह रहा है, इधर लिख लेते हैं, सी इज व्हाट, अ प्राइम नंबर। तो पहले लिख लेते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। देखो 1 प्राइम नहीं है, 2, 3 एंड 5 कितने करते हैं प्राइम है, 2, 3 एंड 5। तो 2, 3, 5 अगर प्राइम नंबर्स हैं तो फेवर में कितने आ गए, 3 आ गए अगेन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम इज इक्वल टू व्हाट, 3/6 विच इज 1/2 अगेन। ठीक है अब डी पार्ट देख लेते हैं, अ ऑड नंबर। तो पहले देख लेते हैं कि ऑड नंबर कितने हैं इसमें, कौन कौन से हैं। तो ऑड नंबर एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। ठीक है तो फेवर में कितने अगेन, 3 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज व्हाट, 3/6 विच इज 1/2 कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 3.4 उसको बिल्कुल करें। नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंपल इक्वेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें एंड थैंक यू सो मच।